तो दोस्तों सीआरएस यूनिवर्सिटी के लिए दो अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। एक आपके बीएड के एग्जाम से रिलेटेड पूरी अपडेट कि आपका पैटर्न क्या रहेगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, ये सब बताऊंगा। और साथ ही साथ जो प्रमोट हुए छात्र हैं उनके एग्जाम दिसंबर से करवाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ये पूरी अपडेट आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बीएड के एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता देता हूँ जिनको आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। आपको पता है कि आपके एग्जाम 26 अक्टूबर से करवाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरी अपडेट में क्या लिखा है तो एक बार मैं आपको मेन मेन पॉइंट इसके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि आपके एग्जाम 26 अक्टूबर से करवाए जा रहे हैं, और इसके अलावा बीपीएड, डीपीएड, एमएड सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से स्वीकृत कॉलेजों में विभिन्न कोर्सों की जो परीक्षाएं हैं वो 26 अक्टूबर से करवाई जा रही हैं, और आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे। आप सभी को पता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ इसमें लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और आप सभी को पता है आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है ऑफिशियल साइट पर। और उसमें क्या किया जाएगा, आपको पेपर सेट दिया जाएगा, इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन पेपर की पूरी प्रक्रिया से अभ्यस्त करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन पेपर देना है। और दोस्तों आपके बीएड का जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो यहाँ पे लिखा है, और साथ ही साथ नकल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और आपके 80 अंकों की जो है परीक्षा होगी, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके होंगे एग्जाम में, जिसमें से एक प्रश्न एक अंक का होगा, ठीक है। और साथ ही साथ पहले एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 45 सेकंड दिए जाते थे, लेकिन अब तकनीकी कारणों की वजह से आपको 1 मिनट दिया जाएगा एक क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और सिलेबस में से 33% जो आपके क्वेश्चन हैं वो आसान आएंगे, 34% आपके जो क्वेश्चन है वो मीडियम टर्म के आएंगे, और आपके जो 33% है वो कठिन होंगे। तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। और 80 अंकों के पेपर में से आपको 60 मिनट मिलेंगे, अगर 40 अंकों का आपका पेपर है तो आपको 30 मिनट मिलेंगे, और 70 अंकों का अगर आपका पेपर है तो आपको 53 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, आप इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपका जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल है वो यहाँ पे लिखा गया, आपको पता ही होगा, वो वहां पर अपलोड कर दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपकी नकल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर आपकी नकल को पकड़ेगा, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो घर पर या इंटरनेट कैफे पर बैठकर एग्जाम दे सकते हैं, और परीक्षा के समय अकेले बैठना भी अनिवार्य नहीं है। आप ग्रुप में भी अपने एग्जाम दे सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र है वो अलग अलग आएगा, आप 10 विद्यार्थी बैठकर भी एग्जाम दे सकते हो साथ में, लेकिन जो आपका प्रश्न पत्र है सभी का सीरियल नंबर उसका अलग अलग होगा, उसके क्वेश्चन भी आपके अलग अलग होंगे, इसलिए आपको साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठकर दे सकते हो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है सभी के वो अलग अलग होंगे, ठीक है। कि प्रमोट हुए छात्रों के जो एग्जाम है वो दिसंबर में करवाएगी सीआरएसयू, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है प्रमोट हुए छात्रों के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश पुनिया ने बताया कि कोरोना के कारण जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था उनकी परीक्षाएं भी दिसंबर तक करवाई जाएंगी, इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। अब तक ऑनलाइन कक्षाओं में 60% जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करवा दिया गया है, तो आपका सिलेबस जो है 60% पूरा करवा दिया गया है ऑनलाइन कक्षाओं में, और विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इसमें काफी गंभीरता से हिस्सा ले रहे हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट है जो अपनी क्लासे लगा रहे हैं ऑनलाइन। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, आपके जो प्रमोट हुए छात्र हैं उनके एग्जाम दिसंबर में करवाए जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।